हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टेलिंग वीडियो विद मी। सो आज की जो स्टोरी टेलिंग वीडियो है वो हिमाचल के एक गाँव की स्टोरी है, जो कि उसी गाँव के एक पर्सन ने मुझे भेजी है। एंड दिस स्टोरी बिलोंग्स टू अ फैमिली जिसके अंदर एक मॉम, डैड और उनके दो बच्चे रहते थे। उनके दो बच्चों का नाम था राहुल और जतिन। और जो उनके पापा थे वो एक लेबरर थे और वो एज़ यूजुअल अपने रोज़ काम पे जाते थे एंड काम करके वापस आते थे। एंड आपको पता होगा जो लेबरर्स होते हैं उनकी लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो उनका गांव में अपना घर था, प्लस जो उनकी मॉम थी वो हाउसवाइफ थी एंड बच्चे दोनों पढ़ाई करते थे। एंड उनके पापा रोज़ अपने काम पे जाते थे एंड जब वो वापस आते थे तो कभी कभी वो पी के वापस आते थे एंड कभी अपने दोस्त के साथ बैठ जाते थे पीने वीने। एंड इट्स कॉमन, जो ऐसा काम करते हैं वो जनरली ड्रिंक करते हैं। सो एक दिन क्या होता है, उनके पापा आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो उनकी मम्मा पूछती है कि तुम्हारे पापा अभी तक आए क्यों नहीं, और वो वरीड होती हैं उनके लिए। तो वो बोलती है कि जाके उनको बाहर देख के आओ। अब जो उनका बड़ा बेटा होता है राहुल, वो बाहर जाता है और अपने पापा मतलब उनको ढूंढता है। फिर वो जब वापस आता है बोलता है कि हाँ, पापा वहाँ दोस्तों के साथ बैठे हैं अपने, वो ड्रिंक कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है। तो उसकी मम्मा को गुस्सा आता है, उसकी मम्मा जाती है और उसकी मम्मा बोलती है कि चलो यहाँ से। और वो अब उनके दोस्तों के साथ ही उनको उठा, दोस्तों के बीच में जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से उठा के उनको वापस ले आती है। तो जब वो वापस लाती है, उसके डैड को बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील होती है। वो सोचती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे दोस्तों के बीच में से उठा के लाने की। और वो झगड़ा करने लग जाते हैं उनके डैड उनके साथ। तो वो झगड़ा होते होते बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके पापा, उसकी मामा उनके मम्मा पे हाथ उठाते हैं एंड उसके उसको लाइक सर से पकड़ते हैं एंड ज़ोर से वॉल पे मार देते हैं एंड उसकी मम्मा के सर पे चोट लगती है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। अब जैसे ही उनकी डेथ होती है, उनके बच्चे ये सब देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो आसपास चिल्ला के लोगों को बुलाते हैं। तो जैसे ही लोग आते हैं वो पुलिस वालों को कॉल करते हैं। पुलिस वाले आते हैं, जैसे ही पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं उनके पापा को और ले जाते हैं जेल में डाल देते हैं। अब वो लोग भी लाइक दो बच्चे रह गए थे, वो काफ़ी छोटे थे, तो उनको उनके रिलेटिव्स अपने पास ले जाते हैं सिटी में। अब वो वहाँ गांव में नहीं रहते, वो लोग भी सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब सिटी में जाते वो लोग भी पढ़ाई लिखाई करते हैं और वो अच्छे एजुकेटेड हो जाते हैं एंड बड़े होके लाइक वेल सेटल्ड जॉब कर रहे होते हैं दोनों। तो उनमें से जो बड़ा वाला बेटा होता है उनका, राहुल जिसका नाम होता है, उसने शादी भी कर ली होती है। लाइक जिस ऑफिस में वो काम करता है वहीं पे उसको एक लड़की पसंद आती है, अब वो उसी से शादी कर लेता है। एंड लेटर ऑन जब उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार हमारा गांव में भी तो एक घर है, लाइक जतिन को ये थॉट आता है एंड वो राहुल से बात करता है इस बारे में, तो क्यों ना हम उस घर को सेल कर दें और यहाँ पर एक अच्छा घर बना लें। तो राहुल को भी उसका आइडिया पसंद आता है कि हाँ, लेट्स डू इट, हम चलते हैं गाँव और वहाँ पर जाके जो घर है वो सारा सेल आउट करेंगे और यहाँ पर घर बना लेंगे उस पैसों से। तो जो उसकी वाइफ होती है ना, उसको कुछ भी नहीं पता होता और उसका नाम होता है उमा। अब उमा को कुछ पता नहीं होता कि उसकी पास्ट लाइफ क्या थी, राहुल की पास्ट लाइफ में क्या हुआ, उसको कुछ भी नहीं पता। अब उमा भी काफ़ी टाइम से कहीं घूमने नहीं गई होती, तो बोलती है कि हाँ हाँ चलो चलो, अगर जहाँ भी जा रहे हो मुझे भी साथ लेके चलो। अब राहुल और जतिन दोनों डिसाइड करते कि वो उमा को भी साथ लेके जाएंगे एंड गाँव वाले घर को सेल करेंगे। फिर वो एक डे डिसाइड करते हैं एंड उस डे निकल जाते हैं वहाँ पे। फिर जैसे ही वो गांव में पहुँचते हैं, वो एक ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं उनका घर सेल करने के लिए एंड मतलब ब्रोकर भी उनको मिल जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, आई हेल्प यू, मतलब आपका घर बेचने में हेल्प करूँगा और जितने भी फॉर्मेलिटीज़ वाले काम होते हैं वो शुरू प्रोसीजर शुरू कर देता है। अब जब वो गाँव पहुँचते हैं, वो अपना गाँव वाला घर क्लीन करते हैं, तो उमा वॉज एक्साइटेड टू नो, मतलब ऑब्वियसली किसी को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो वो जानने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ था। तो उमा भी जानने की कोशिश करेगी ये क्या है, ये कौन सा घर है, आप यहाँ कब रहते थे, कि आप बचपन में यहाँ रहते थे, आप किस टाइम पे, मतलब शी वॉज क्यूरियस, मतलब उसको क्यूरियोसिटी थी ये सब जानने की कि क्या हो रहा है ये। बट वो उसको कुछ नहीं बताता राहुल। राहुल बोलता है कि अभी जब तक ये घर नहीं बिकता तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। सो उमा की क्वेश्चनिंग खत्म नहीं हो रही थी, उमा बार बार पूछी जा रही थी। तो एक दिन राहुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उमा को डांट देता है गंदे से। बोलते हैं कि तुमको एक बार समझ नहीं आता, नहीं बताना मेरे को कि क्या है, मतलब क्यों, मतलब हम लोग यहाँ पे आए और ये घर क्या है, नहीं बताना मुझे, बिकॉज़ उसकी एक बैड मेमोरी होती है उसके साथ ना, तो वो नहीं शेयर करना चाहता। अब वो मैं इस बात से गुस्सा होकर छत पे चली जाती है। तो जब वो छत पे जाती है, काफ़ी देर तक वहीं रहती है, व्हेन राहुल रियलाइज़ कि उसने उमा पे ज़्यादा गुस्सा कर दिया, तो वो उसको छत पे लेने जाता है और उसको मना के नीचे वापस लाता है। तो वो उसको बोलता है कि जब ये घर बिक जाएगा ना, मैं तुमको खुद पूरी स्टोरी बताऊँगा कि हम लोग क्या था, इस घर का पास्ट क्या है। तो उमा चुपचाप मान जाती है और वो सो जाती है। अब जब से उमा नीचे आई होती है ना छत से, तो उसको उसके बालों में से अलग सी खुशबू आ रही होती है, लाइक वो एक ऑयल होता है चमेली का तेल,
फ्लावर का ऑयल होता है तो उसकी खुशबू आ रही होती है उसके बालों से, एंड वैसी सेम खुशबू आती थी उसकी मम्मा के बालों से, लाइक राहुल और जतिन की जो मॉम थी उनके बालों से सेम खुशबू आती थी. सो जब वो खुशबू सूंघता है ना उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, वो रोने लग जाता है, उसको अपनी मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आती है. तो वो सोचता है कि ठीक है इसने जनरली अपने बालों में वो वाला ऑयल अप्लाई कर लिया हुआ इसलिए, बट वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है. तो जब रात को उमस हो रही होती है वो वहाँ से उठता है और वो दूसरे रूम में चला जाता है जो कि उसके मॉम एंड डैड का रूम हुआ करता था. अब वो वहाँ पर बैठ के रो रहा होता है. अब पूरे घर में धूल है बट जो उसकी मम्मा की फ़ोटो वहाँ पर लगी है ना वो बिल्कुल क्लीन है. वो फ्रेम लेता है और उसको पकड़ के बैठ के रोना शुरू कर देता है. उतने में वहाँ पे जतिन आ जाता है और जतिन देखता है, जतिन उसको बोलता है कि भैया क्या हुआ आप ऐसे क्यों रो रहे हो, तो वो बोलता है कि ऐसे ही मेरे को मम्मा की याद आ गई तो इसलिए मुझे रोना आ गया. अब वो दोनों ही वहाँ पे बैठ जाते हैं और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं अपने बचपन की. फिर सडनली वो बोलते हैं कि चलो हमें कल उठना भी है तो जाके सो जाते हैं. फिर जैसे ही वो अपने रूम में जाता है राहुल वो देखता है वहाँ पर उमा है ही नहीं, तो वो डर जाता है. वो सोचता है कि मे बी वो फिर से नाराज़ होकर ऊपर चली गई होगी, तो वो हर जगह चेक करता है. वो जतिन को भी बोलता है कि उमा यहाँ पे नहीं है, तो वो दोनों मिलके चेक करने लग जाते हैं. अब वो उनको नहीं मिलती, वो बाहर जाके भी देखते हैं वो उनको नहीं मिलती. फिर वो परेशान हो जाते दोनों, और जैसे ही वो लोग घर वापस आते हैं और वो वापस अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है उमा वहीं पर सोई भी है. फिर वो उमा को उठाता है, वो पूछता है तुम कहाँ चली गई थी, तुम फिर से नाराज़ हो गई थी क्या? तो उसने बोला मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो जब से नीचे आई हूँ मैं तब से सो रही हूँ. तो वो लोग थोड़े ऐसे हो जाते कि लाइक सीरियसली अभी तो हमने देखा यहाँ पे नहीं थी, बट वो दोनों भी टायर्ड होते तो वो दोनों ज़्यादा कुछ सोचे बिना सो जाते हैं. तो अब नेक्स्ट डे क्या होता है, वो लोग ब्रोकर से मीटिंग करने के लिए उनको अपने घर पे लेके आते हैं और ब्रोकर भी वहाँ पे बैठा होता है. ब्रोकर के लिए उमा चाय लेके आ रही होती है और वो चाय मतलब जो घर के पूरे पेपर्स होते हैं उन पर गिरा देती है. तो राहुल बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको बहुत ज़ोर से फिर से डांट देता है. वो उस टाइम तो उसको कुछ नहीं बोलती बट वो अपने रूम में जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा होता है इस बात का. और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही होती है ना, मतलब जैसे कुछ भी उससे गलती हो रही है, तो वो बार बार उसको हर एक बात पर डांट देता था. अब एक दिन क्या होता है, जब राहुल और जतिन दोनों बाहर गए होते हैं उसी घर के मतलब किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाने के चक्कर में या किसी काम से बाहर गए होते हैं, तो जब वो वापस आते हैं वो देखते हैं उमा ने बंगाल मतलब साड़ी पहनी हुई है और लाइक वो बंगाली में बात कर रही है. जो वो फैमिली थी बेसिकली बिलोंग करते थे वो बंगाल से बट वो हिमाचल में सेटल्ड थे बिकॉज उनके पापा हिमाचल से थे और उनकी मम्मा बंगाली थी. तो वो बंगाली साड़ी पहन के बैठी होती है और उसने मतलब बालों में चमेली का तेल लगाया होता है, इट इज़ जैस्मिन ऑयल, चमेली का तेल लगा के बैठी होती है और वही खुशबू आ रही होती है जो उसको उसके बचपन में आती थी. अब जब वो देखता है उसको तो वो सोचता है कि इसने तो आज तक कभी साड़ी पहनी नहीं, ना ही उसको साड़ी पहनना पसंद है, तो ये साड़ी पहन के क्यों बैठी है, और वो बंगाली में बात कर रही थी. अब जब वो दोनों देखते हैं तो उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ इसके अंदर शायद मेरी मॉम की आत्मा है, पोजेस है, ये मेरी मॉम ने पोजेस करा है इसको. तो बंगाली में बोलती है ये कि तुम अपने पापा की तरह बन गए और मैंने तुम्हारा को यही सिखाया था, चाहे मतलब तुम मेरी बहू को ऐसे ट्रीट करते हो, छोटी छोटी बातों पे डांटते हो और ये कितनी गलत बात है, तुम भी अपने पापा की तरह बनते जा रहे हो और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम कभी भी अपने पापा की तरह बनो बट तुम वैसे ही बन गए. और मतलब जितने भी तुम्हारे चीज़ें हैं, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है तुम ऐसे ट्रीट करते हो घर की, या किसी भी औरत को तुम ऐसे ट्रीट करोगे, मैंने तुमको ये नहीं सिखाया. तो वो मतलब अपनी मॉम को सॉरी बोलते हैं दोनों बच्चे, तो वो बोलते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा कभी भी. फिर वो लोग बैठते हैं अपनी मम्मा के साथ, बहुत सारी बातें करते हैं एंड उनकी मम्मा भी बैठती है वहाँ पे. फिर सडनली उमा बेहोश हो जाती है थोड़ी देर बैठने के बाद. तो जो उमा होती है वो फिर राहुल को जब वो होश में आती है तो वो बताती है कि जब वो छत पे गई थी उस दिन नाराज़ होके, तब उसको एक काली परछाई दिखी थी जिसने उसको पूरी स्टोरी बताई थी कि उनके साथ क्या हुआ था. एंड वो उसकी मम्मा ही थी, राहुल और जतिन की मम्मा थी वो. तो वो स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने उससे परमिशन ली थी कि क्या मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर आ सकती हूँ ताकि मैं अपने बेटों के साथ थोड़ा टाइम बिता सकूं. तो उस दिन से उसकी मम्मा उनकी बॉडी में रह रही थी. तो फिर बाद में जब ये सब सॉर्ट हो जाता है, मतलब जब उनकी मम्मा चले जाते हैं और उमा ये सारी बातें उनको बता देती है कि ऐसे ऐसा हुआ था, उसको मतलब पता चल गया था, मतलब जब वो छत पे गई थी कि क्या हुआ था उस घर में, तो उनका घर सडनली बिक जाता है, वो भी बहुत अच्छे अमाउंट में. एंड उसके बाद वो एक मंदिर में जाते हैं पंडित जी के पास एंड वो वहाँ पे जाके बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी मम्मा की वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है एंड अब तुम्हारे साथ अच्छी चीज़ें होंगी आज के बाद. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे स्टोरी.
एंड होप आपको स्टोरी टेलिंग मेरी अच्छी लग रही होगी. अगर अच्छी लग रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. डू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. एंड आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए, तो आप भी मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, या मेल आई डी भी मैं डाल दूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.